गुरुवर, ऐसी परीक्षा की घड़ी में जब हमें आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, आप कहाँ थे? वो महाराज, हम तो आगरा गए थे। आगरा? आप गए हुए थे? तो पंडित रामकृष्ण? वो महाराज, हमें अभी भी सीमा पार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि मुगलों की सेना लौट रही है। मुगल सेना लौट रही है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये आपने अपनी आंखों से देखा है मंत्रीवर? जी महाराज, हम अभी सीमा के दौरे से ही लौट रहे हैं और हमने देखा कि बादशाह बाबर की सेना लौट रही है। अद्भुत। इसका तो ये हुआ कि मुगलों के साथ एक निश्चित युद्ध टल गया। जी महाराज, परंतु ये अकस्मात क्यों और कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुवर, आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। आप तो स्वयं गए थे वहां आगरा। हाँ महाराज, तभी तो बाबर की सेना लौट गई। आपको महामंत्री जी वहां होना चाहिए था और वो दृश्य देखना चाहिए था। कैसे बाबर बड़े दरबार में सबके समक्ष हमारे पैरों पर गिरकर घुटने टेक कर हमसे क्षमा मांग रहा था। ये सही, गुरुजी अपनी औकात पर आ गए। और महाराज, जब हमने बाबर को यह बताया कि विजयनगर पे आक्रमण के दुस्साहस का क्या परिणाम हो सकता है, तो भयभीत हो गया। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण नहीं महाराज, हम अब विजयनगर के राजगुरु होने के नाते हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है महाराज। आखिर हम जैसा महापुरुष एक ना एक दिन राज्य के हित के लिए। शांत हो जाइए गुरुजी और धागा लपेटना शुरू कीजिए, आपकी पतंग कट चुकी है। कब? हाँ, कैसे? गुरुवर, जिसे सुल्तान बाबर के दरबार में जाकर उसे झुकाया, हम शेष कहानी उन्हीं के मुख से सुनना चाहेंगे। किसकी? पंडित रामकृष्ण। महाराज, हम तो कह रहे थे कि जो पंडित रामकृष्ण ने किया और हमने देखा, अब आगे आगे आप उन्हीं से सुन लीजिए। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, आज से पूर्व आपने हमारी सहायता की है, केवल हमारी, परंतु आज आपने समस्त विजयनगर राज्य को अपना ऋणी बना लिया है। आज से पूर्व हम कहते थे कि आप धन्य हैं, परंतु आज हम कह रहे हैं कि हम धन्य हैं कि हमारे राज दरबार में पंडित रामकृष्ण जैसा रत्न है। गर्व है हमें आप पर पंडित रामकृष्ण, अभिमान है हमें आप पर। आपने जो किया है वो साधारण नहीं है पंडित रामकृष्ण, इतिहास रचा है आज आपने, और आदर करते हैं ऐसी जननी का जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। हे काली माँ, अपने पुत्र को खुशहाल और विजयी होकर लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमें आपकी कोई सूचना नहीं मिली तो हम चिंतित हो गए थे और हमने आगरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी, परंतु तभी सुल्तान बाबर ने हमें एक पत्र लिखा मित्रता हेतु। धन्यवाद महाराज, आपके इन शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार, किंतु यह असंभव कार्य गुरुवर और धनी मनी के सहयोग के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। भाग्यशाली है हम कि हमारे पास पंडित रामकृष्ण जैसा मित्र है, और गुरुवर जैसे राजगुरु हैं, और
धनी मनी जैसे देशभक्त। इतिहास साक्षी है कि मुगल सल्तनत के शहंशाह बाबर ने कभी भी विजयनगर पर आक्रमण नहीं किया। उनकी सल्तनत ने हिंदुस्तान के हर कोने पर धावा बोला, लेकिन विजयनगर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पंडित रामाकृष्ण ने असंभव को संभव कर दिया। पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार को स्वीकार नहीं करता, और हर डर, हर निराशा, हर मुसीबत, हर कठिनाई, हर बाधा के आगे जीत है। जहां दृढ़ संकल्प हो, वहां विजय के सिवाय और क्या विकल्प हो। क्या है तो सास? कौन छेड़ रहा है ये सुर? जैसे किसी किसी की मृत्यु पर विलाप रहा हो। कौन है? महारानी चिन्ना देवी? चिन्ना देवी, ये कैसा विलाप है? महाराज, ये विलाप नहीं, आलाप है। महारानी चिन्ना देवी, जो भी है, क्यों है? महाराज, हम अपने भीतर के छिपी हुई कला को बाहर निकाल रहे हैं। इस जन्म में तो इतने पाप किए नहीं हमने, अवश्य ये पिछले जन्म के पाप होंगे, जो एक के विशेष व्यंजनों ने व्याकुल किया है और दूसरी के आलाप का प्रकोप सहना पड़ रहा है। महाराज, महाराज, आज हम अत्यंत दुविधा में हैं। महाराज, आप भी दुविधा में हैं? बताइए आपकी क्या दुविधा है? हम आपके लिए आम की गुठलियों का अचार बनाएं या फिर नींबू के बीजों का? आम की गुठली? जी। नींबू के बीज? जी। अद्भुत। ऐसे महारानी तिरुमलम्बा, पैर खुलाड़ी पर मारो या खुलाड़ी पैर पर, निष्कर्ष दोनों का एक ही होता है। महाराज, हमको समझे नहीं? हम समझ गए, हम समझाते हैं आपको। आप एक कार्य कीजिए, आप दोनों ही बना दीजिए हमारे लिए, हम प्रेम पूर्वक खा लेंगे। सच्चे महाराज? शीघ्र बनाइएगा। जी महाराज। महाराज जी। महारानी, अब क्या है महारानी चिन्ना देवी? महाराज, छिपी हुई कला तो अनायास ही बाहर आती है ना, और हमें भी कहां ज्ञात था कि हमारे भीतर इतनी विशिष्ट प्रतिभा छिपी हुई है। महारानी चिन्ना देवी, हमें बताइए आप कौन है वो मुल्कपुर महापुरुष जिन्होंने आपको अपने भीतर छुपी हुई इस कला के विषय में ज्ञात कराया, बताइए हमें। महाराज, वो ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने बताया, वो हमें मंदिर के पास मिले थे। बड़े ही महापुरुष है महाराज, बहुत ही ज्ञानी है। उन्होंने अपनी सिद्धि से हमें हमारे भीतर छिपी हुई कला से अवगत कराया। जाने कौन है ये इत्यादि ज्ञानी, हमारे सुखों का सर्वनाश कर दिया। न जाने और कितने लोगों के सुखों का सर्वनाश करने जा रहे होंगे वो। कुछ नहीं आ रहा गुरुजी, कुछ भी नहीं आ रहा। ना पात्रों की ध्वनि आ रही है और ना ही भोजन की सुगंध आ रही है। अरे तो जाओ, जाके देखो अपनी गुरु माता को, क्या कर रही है वो। भोजन का प्रबंध हुआ है कि नहीं हुआ है? ये महाराज श्री कृष्ण देव राय और कलिंग के महाराज गजपति प्रताप रुद्रदेव आमने सामने प्रतिष्ठित होने वाले हैं। अब बिना भोजन के कैसे संभालेंगे हम दोनों को? महाराज और गजपति दोनों ही? हाँ, हम जाके देखते हैं गुरु जी कि गुरु माता कहाँ है। आप यही रहिए। गुरु माता आ गई। गुरुमाला, ये हाथों की उंगलियों को क्यों नचा रही?
हमारे पेट में चूहे नाच रहे हैं और आप अपनी उंगलियां नचा रही हैं। भोजन नहीं है स्वामी। नहीं है अर्थात क्या तात्पर्य क्या है तुम्हारा? ये खाद्यान्न समाप्त हो गया है क्या? अभी तो माँ भी पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ, हमारे गुरुजी कुछ दिवस पूर्व भी तो एक व्यापारी को दक्षिणा के नाम पर ठक्कर लाए थे खाद्यान्न सामग्री। खाद्यान्न है स्वामी? तो तेल मसाला नहीं है? तेल मसाला भी है। तो तरकारी नहीं है? तरकारी भी है स्वामी। तो क्या नहीं है? बस हमारा मन नहीं है। हाँ है अर्थात? अर्थात स्वामी बस हमारा मन नहीं है कि हम अपनी इन कलात्मक उंगलियों को कोई भी कष्ट दे। ये एक विशेष कला के लिए जो बनी है। कब से? आज प्रातः से ही। किसने कहा? ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने। ज्ञानी? हमसे महाज्ञानी कौन आ गया? स्वामी क्या आप स्वयं अपना अपमान कैसे कर सकते हैं? आपसे बढ़कर कौन है स्वामी? आप तो इस संसार से परे हैं। महान है, विद्वान है, वो तो बस एक लौकिक ज्ञानी है जिसने हमें हमारी उंगलियों की कला के बारे में अवगत कराया। अरे परंतु कौन सी कला? वो तो अभी ज्ञात नहीं, परंतु समय आने पर वो भी ज्ञात हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो तब तक हमारे भोजन का क्या होगा? स्वामी सर्वप्रथम हम अपनी कला को ढूंढेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, उसको उभारेंगे, तत्पश्चात आपके भोजन के बारे में विचार करेंगे। ये क्या था रामा? मैं तो बाल बाल बचा। हाँ बंधु, मेरे घर पे मुझ पर आक्रमण। ओ शारदा महोदया, ये प्रातःकाल क्या कर रही हो तुम? क्यों धनुष बाण से अपने पति परमेश्वर को परमेश्वर के पास भेजना चाहती हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बाण उस दिशा में फेंक रहे हैं, न जाने आपको क्यों लग रहा है। अवश्य बाण में ही कोई खोट है, आप स्वयं ही देखिए, हम फिर से करते हैं। ए! देखा देखा कैसे बाण इधर उधर जा रहे हैं। तुम्हारे इधर उधर के चक्कर में अभी मैं ऊपर पहुंच जाता, अभी तुम्हारे पति परमेश्वर की समाप्ति की घोषणा हो जाती। क्या कर रही हो तुम? बंद करो ये सब, क्या आरंभ कर दिया सुबह सुबह तुमने? उठा लो। क्या उठा लो? हम आपसे नहीं कह रहे, उन्होंने हमसे कहा है, हमारे भीतर जो दबा हुआ है उसे उठा लो। किसने कहा और क्या भीतर दबा हुआ है तुम्हारे? हमारे भीतर छुपी कला है। ओह, तुम्हारे भीतर कला भी है? हाँ, हमारे भीतर सत्यभामा वाला गुण है। शिव 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 शिव, जानती भी हो किनका नाम ले रही हो तुम? हाँ, हमें ज्ञात है, भगवान श्री कृष्ण वाली सत्यभामा, जिन्होंने नरकासुर का वध किया था, जिसके उपलक्ष में दीपावली पर हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। शारदा, तुम देवी सत्यभामा से अपनी तुलना क्यों कर रही हो? हम नहीं कर रहे, ऐसा तो उन्होंने हमसे कहा है। अरे कौन है ये, किसने कहा था जो बाण लेकर मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है? महाज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है वो, अज्ञानी जो ये सब तुमसे कह रहा है। चलो अंदर जाओ और जाकर करछी बेलन संभालो। अर्थात आप हमें हमारी छुपी कला उभारने नहीं देंगे? कला उभारनी है तो भोजन बनाने की कला उभारो ना। अम्मा! अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अम्मा, अरे क्या कर रही हो तुम भी इसका साथ दे रही हो? तुझे इसका देना चाहिए, तू इसका पति है। शारदा अपनी कला को बाहर निकाल रही है और तू है कि उसे प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित कर रहा है। नालायक। अम्मा, ये सुबह से दो बार विधवा होते होते बची है, इसके इधर उधर जाते हुए बाण कभी तुम्हारी ओर आएंगे ना तब पता चलेगा। अम्मा आपको भड़का रहे हैं, वैसे ही जैसे महाज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने कहा था। हाँ। क्या कहा था, क्या कहा था तुम्हारे ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा ने, बताओ। रामा ये क्या हो रहा है आज? एक तो महाराज और उनके शत्रु राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव आमने सामने आने वाले हैं और यहाँ घर वाले भी शत्रु बन बैठे हैं। हाँ बंधु, सत्य कह रहा है,
आज का दिन ही बुरा प्रतीत हो रहा है। सोचना बंद कर और भाग, अन्यथा तेरे साथ मेरी भी धुलाई हो जाएगी। हाँ। ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है वो, अज्ञानी है वो। अम्मा नहीं, गुंडप्पे, 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 गिनती कहाँ तक सीखी? तीन तक। बहुत है, उल्टी गिन। तीन, दो, एक, भाग। क्या कर रहे हैं आप गुरुवर? जी जी महाराज। महाराज वो गुरु माता ने तो महाराज वो प्रसाद महाराज प्रसाद हमारी गुरु माता। अच्छा इनकी गुरु माता ने सुबह निकलते वक्त तो हाथ में प्रसाद रख दिया था, तो उसी का सेवन कर रहे हैं महाराज। ये शेष तुम दोनों ग्रहण कर लेना। मेरा क्या? आप किस विचार में लीन है पंडित रामकृष्णा? पंडित रामकृष्णा बाण बाण ध्यान महाराज, ध्यान बाण नहीं ध्यान, वो गुरुवर की भांति ध्यान में लीन हो गया था। मंत्रीवर महाराज, क्या है आज का मुद्दा बताइए। महाराज आज कोई विशेष मुद्दा नहीं, परंतु बीजापुर के सुरपुर जिले के कलानगर गांव से एक प्रसिद्ध संगीत कलाकार आए हुए हैं, जो अपने मधुर स्वर से आपको प्रेक्षित करने की इच्छा रखते हैं। महाराज संगीत का नाम भी मत लीजिएगा आज। यदि वो संगीतकार यहां रात दरबार में प्रस्तुत हुआ तो हम आप सभी को निष्कासित कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। कोतवाल जी मंत्रीवर, सुना आपने, वो किसी भी प्रकार से यहाँ प्रवेश ना करने पाए। नहीं आएगा। केवल दरबार नहीं, यदि महल के आसपास भी वो दृष्टिगत हुआ ना तो हम महाराज इस राज्य में भी दृष्टिगत नहीं होगा। आप निश्चिंत रहे महाराज, वो अपने आप ही चले जाएंगे। क्षमा करे महाराज, किंतु आज अनायास ही आपको क्या हो गया? कानों से खून निकलते निकलते बच गया आज प्रातःकाल हमारे। एक के खाने से तो हम व्याकुल थे, दूसरी के गाने से व्यथित हो गए। महाराज सब कुशल मंगल तो है, आप तो कला प्रेमी हैं। कला प्रेम को छोड़िए पंडित रामकृष्ण, आप हमें एक बात बताइए, छिपी हुई कला के विषय में आपका क्या परामर्श है? छिपी हुई कला महाराज? जी महामंत्री, छिपी हुई कला जो किसी व्यक्ति के भीतर वर्षों से छिपी हुई होती है और अनायास ही एक दिवस वो उमड़ उमड़ के बाहर निकलती है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ होता है महाराज? कोई छुपी कला वाला नहीं होती है महाराज, सब मूर्खता की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं महाराज। ये ऐसी छुपी कला के कारण व्यक्ति को भूखे रहना पड़ता है। गुरुवर आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित? हम उत्तेजित कहाँ हैं? हम तो सामान्य हैं। बोले पंडित रामकृष्णा। मैं क्या बोलूं महाराज, मैं तो बाल बाल बचकर आया हूँ शारदा के छुपी कला वाली बाणों से। महाराज मुझे तो आज ज्ञात हुआ कि मालिश नाम की भी कोई कला होती है, बड़ी भयावह और कष्टदायक कला है महाराज। जैसे तैसे करके अपनी अर्धांगिनी की इस छुपी हुई कला से बचकर आया हूँ महाराज। क्या कर रही है? मर गया। गुरुजी एक बात कहूँ, इनकी पत्नियों की कला देखकर लगता है कि आप बच गए। हाँ हाँ गुरुजी, हमारी गुरु माता की कला इतनी कष्टकारी इतनी भयावह नहीं है जितनी आप समझते हैं। थक बच गए हम, थक बच गए। हम अपनी ब्रह्म शक्ति से देख सकते हैं, ये पंडित रामकृष्णा जो है ये बाण लगने से देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे।
ये कोतवाल मालिश करवाने से और हम भूखा रहने से। और हम खाने और गाने की दोहरी कलावृष्टि से। ये हाथों में कोई कला वाला होती है क्या? एक ही कला है हमारी वरुणमाला के पास, हमको भूखे रखना। कोई छुपी कला वाला नहीं होती है। मिथ्या है, प्रपंच है, अत्याचार है, धोखा है, षड्यंत्र है ये। तो क्या गुरुवर इसीलिए आप वो केला खा रहे हैं? जी महाराज। केला इसीलिए खा रहे थे आप? क्षमा महाराज, क्षमा। क्या है महाराज कि हम भावनाओं में बह गए थे। जी गुरुवर, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। परंतु कौन है वो अत्याचारी जिसने छिपी कला के अत्याचार को ढूंढ निकाला महाराज? ज्ञानी आदि शेषागिरी। शर्मा महाराज, आप महाराज आप भी? जी हम भी।